हेलो जी, नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कंटिन्यू हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेज है, विभिन्न प्रकार की बायोलॉजी की शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से आज हम जिस शाखा पर बात करने वाले हैं, जिस ब्रांच पर बात करने वाले हैं, वो हमारे पास में है प्लांट एनाटॉमी। किसके लिए बेटा बात करेंगे हम लोग? प्लांट एनाटॉमी यानी कि पादप शारीरिकी। अब पादप शारीरिकी है क्या, उसके मीनिंग को समझते हैं। जनरली जब भी अपन पादप की बात करें तो हमारे पास में दो संरचनात्मक रूप दिखाई देते हैं, एक तो पादप का बाह्य स्वरूप और एक उसका होता है आंतरिक स्वरूप। तो प्लांट एनाटॉमी में क्या होगा कि किसी भी पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो हमें करना है, तो उस आंतरिक संरचना का अध्ययन ही हमें क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी। देखें प्लांट एनाटॉमी है क्या। फर्स्ट में प्लांट एनाटॉमी, क्या बोल रहे हैं हिंदी में होम में आपके पास में, पादप शारीरिकी। अब पादप शारीरिकी का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं। अभी हमने कहा था कि मेनली हमारे पास में वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, क्या बोल रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसका, पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोल देंगे हमारे पास में, प्लांट एनाटॉमी। अब जब भी प्लांट एनाटॉमी की बात की जाएगी तो इनमें हमें जो अध्ययन का बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, टिश्यू। क्या रहेगा बेटा जी, टिश्यू। और टिश्यू है क्या उसको समझे, टिश्यू है नॉट बिग ए इशू। अब टिश्यू का मतलब क्या है, उत्तक। और सामान्य परिभाषा के फॉर्म में जब भी बोला जाता है तो उत्तक होते क्या है, कोशिकाओं का समूह, क्या कहलाता है, उत्तक। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग रूप में हम और देखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो मेनली संरचना, दूसरा उत्पत्ति और तीसरा कार्य, इन तीनों रूप में क्या होना चाहिए, समान। तो यानी कह सकते हैं कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो संरचना, उत्पत्ति और कार्य में समान हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तक। और यहाँ पे पादप की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो उत्तक आने वाले हैं वो कौन से आपके पास में बेटा, पादप उत्तक। और जब भी पादप उत्तक के लिए बात की जाए तो हमारे पास में दो प्रकार के पादप उत्तक हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास में है विभिजोतक उत्तक और दूसरा है हमारे पास में स्थायी उत्तक। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर ये विभिजोतक उत्तक क्या है, इंग्लिश का फॉर्म बोलेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड होगा आपके पास में मेनली परमानेंट टिश्यू। अब देखें मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभिजोतक उत्तक होते क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी रहते हैं। क्या बोला मैंने कि मेनली हमारे पास में टिश्यू के दो फॉर्म हैं, कौन कौन से, फर्स्ट तो हो गया हमारे पास में विभिजोतक उत्तक और सेकंड क्या बता रहे हैं हमारे पास में, बोलो, सेकंड हो जाएगा हमारे पास में स्थाई उत्तक। सबसे पहले तो हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, विभिजोतक उत्तक किसे कहा जाता है और स्थाई उत्तक किसे कहा जाता है। विभिजोतक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, और मेरिस्टमैटिक जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मेरिस्टम से, और मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, डिवीजन, और डिवीजन का मतलब ही क्या हो गया, विभाजन। यानी कि सामान्यतः विभाजन को प्रदर्शित करने वाला उत्तक है वो कौन सा हो गया, विभिजोतक उत्तक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ विभिजोतक उत्तक में बनने वाली के फॉर्म में जो कोशिकाएं होगी वो सारी की सारी कोशिकाएं निरंतर क्या होगी, विभाजित। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कि विभिजोतक उत्तक में क्या होगा, कोशिकाएं, बोलो क्या होगा, कोशिकाएं निरंतर विभाजित होगी, क्या होगी, निरंतर विभाजित। और यहां पर जो विभाजित होने वाली कोशिकाओं का स्वरूप है वो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होगी हमारे पास में, अपरिपक्व कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हमारे पास में, अपरिपक्व कोशिकाएं।
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सामान्यतः ये ऐसी कोशिकाएं जो बार बार विभाजित हो रही है, अगर कोशिकाएं बार बार विभाजित हो रही है इसका मतलब ये कोशिकाएं आपस में क्या होगी, सटी हुई रहेगी, पास पास रहेगी। अगर यदि ये कोशिकाएं सटी हुई है, पास पास है, तो क्या इनके बीच में कोई अंतर कोशिकीय स्थान होगा? बोलो, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोशिका है वो सारी के सारी कैसी आपस में सटी हुई है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास में हो जाएगा कि विभजोतक उत्तक में पाए जाने वाली कोशिकीय रूप है, तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, क्या बोला मैंने, कोशिकाएं वो आपस में क्या है, बोलो, सटी हुई। सटी हुई का मतलब क्या हुआ, आपस में जुड़ी हुई है। अगर कोशिकाएं आपस में सटी हुई है इसका मतलब इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थान, बोलो, अनुपस्थित होगा। अगर हम और इसमें बात करें कि हमारे पास में जो विभजोतक उत्तक के अंतर्गत पाए जाने वाली कोशिकीय रूप है वो उपापचय रूप से सर्वाधिक रूप से सक्रिय होती है, और यदि कोई कोशिकाएं उपापचय रूप यानी कि मेटाबॉलिकली अगर सक्रिय ज़्यादा है, एक्टिव ज़्यादा है, तो इस प्रकार की कोशिकाओं में भोजन का संग्रह नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोशिकाएं उपापचय रूप से क्या होगी, सक्रिय। और अगर ये कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होगी तो यहाँ पे भोजन का संग्रह नहीं होगा, भोजन का संग्रह नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी विभजोतक उत्तक के फॉर्म है वो सामान्यतः कैसे हैं, सिंपल टिश्यू है यानी कि सरल उत्तक के रूप है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये विभजोतक उत्तक है इनका कार्य क्या है, तो विभजोतक उत्तक क्या कार्य करते हैं, जितनी भी कोशिकाओं के फॉर्म में किसी भी पादप के लिए अगर मैं बात करूं तो उनकी जो वृद्धि होती है उन वृद्धि में जो सहायक है वो कौन सा उत्तक है आपके पास में, विभजोतक उत्तक। इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपन लिख सकते हैं विभजोतक के लिए। पहला तो क्या बोला मैंने, ये कैसे उत्तक के रूप हो सकते हैं, सरल, कैसे होंगे, सरल उत्तक के रूप होंगे। और दूसरा जब मैं बात कर रहा हूं कि विभजोतक उत्तक है इनका जो कार्य का रूप है वो कार्य क्या होगा, मेनली वृद्धि, ग्रोथ प्रदान करने का जो कार्य होगा वो कौन करेगा, विभजोतक उत्तक कार्य करेगा। क्लियर है बेटा। दूसरी तरफ देखें हमारे पास में उत्तक है स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू, और जितने भी परमानेंट या स्थायी उत्तक के लिए बात करें तो ये हमारे पास में निरंतर विभाजित नहीं होते। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि यहां पर विभाजन की समता, क्या बोलेंगे, विभाजन की समता, बोलो, उपस्थित या अनुपस्थित, स्थायी है परमानेंट है, इसका मतलब विभाजन की समता यहाँ पे क्या होगी, अनुपस्थित होगी। और यहाँ पर जो हमारे पास में कोशिकाएं होगी वो कोशिकाएं भी कैसी होगी, मैच्योर होगी, इसका मतलब कह सकते हैं ये कोशिकाएं कैसी है, परिपक्व कोशिकाएं, कैसी कोशिकाएं हैं, परिपक्व कोशिकाएं। नेक्स्ट फॉर्म में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कोशिकाएं, आप देखो विभजोतक में कोशिकाएं आपस में क्या हुई थी, सटी हुई। अगर कोशिकाएं सटी होती है तो अंतर कोशिकीय स्थान क्या होते हैं, अनुपस्थित। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से सटी हुई नहीं है, किसमें, स्थायी में। अगर कोशिकाएं सटी हुई नहीं है इसका मतलब इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो दो पॉइंट आ गए हमारे पास में, सटी हुई कोशिकाएं नहीं होगी, अगर सटी हुई नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और उसी स्पेस को, रिक्त स्थान को क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि यहां पे अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होगा, अंतर कोशिकीय स्थान क्या होगा, यहां पे उपस्थित होगा। इसके अलावा हम कह रहे थे कि विभजोतक वाली तो बार बार विभाजित हो रही थी, जब बार बार विभाजित हो रही थी तो हमने कहा था ये उपापचय रूप से क्या थी, सक्रिय थी। लेकिन यहाँ पे जो स्थायी वाली है वो कैसी है, विभाजन की समता नहीं है, इसका मतलब ये उपापचय रूप से, बोलो, उपापचय रूप से कैसी होगी आपके पास में, सक्रिय नहीं है। तो किस फॉर्म में होगी, निष्क्रिय रूप में होगी। और अगर निष्क्रिय रूप में है तो हम कह सकते हैं यहां पे भोजन का संग्रह होगा,
भोजन का संग्रह होगा। और अगर मैं बात करूं स्थायी उत्तक के लिए, तो स्थायी उत्तक होते हैं वो मेनली हमारे पास में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल और दूसरे जटिल, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इनके दो फॉर्म बना सकते हैं कि यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी स्थायी उत्तक हैं वो स्थायी उत्तक कैसे होंगे आपके पास में, सरल भी हो सकते हैं और क्या बोल सकते हैं हमारे पास में, जटिल भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्थायी उत्तक का कार्य क्या है, कार्य इम्पोर्टेंट है, कार्य क्या करते हैं, किसी भी पादप के लिए उनको सहारा प्रदान करना है, सहारा के अलावा उनके लिए जो प्रोटेक्शन यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करना है, या फिर अपन कहें कि परिवहन के लिए जो सहायक है वो कौन सा उत्तक है, स्थायी उत्तक। तो बेटा बहुत इजी है, मेनली हमारे पास में उत्तक के दो रूप लेके हम चल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो विभजोतक उत्तक है और दूसरा कौन सा है, स्थायी उत्तक है। अगर दोनों को याद करना है तो सिर्फ आपको कौन सा इजीली पता होना चाहिए, विभजोतक उत्तक। और विभजोतक उत्तक बहुत ही इजी है, मैंने क्या बोला विभजोतक को क्या बोलते हैं, मेरिस्टमैटिक। और मेरिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया, मेरिस्टम से, और मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का ऐसा स्वरूप जो बार बार विभाजित हो रही है उसी को अपन ने क्या बोल दिया, विभजोतक उत्तक। और जो कोशिकाएं बार बार विभाजित हो रही है वो सारी कोशिकाएं कैसी है, अपरिपक्व कोशिकाएं हैं। और ये अपरिपक्व कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी आपस में क्या हुई है, सटी हुई है। अगर ये सटी हुई है, पास पास में उपस्थित है, तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। और ये विभाजित हो रही है इसका मतलब उपापचय रूप से भी क्या है, सक्रिय। और जब उपापचय रूप से कोई भी कोशिकाएं सक्रिय होगी तो वहां पे भोजन का संग्रह नहीं होगा। और ये जो विभजोतक उत्तक होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सिंपल टिश्यू, सरल उत्तक होते हैं और कार्य क्या करते हैं, किसी भी पादप की वृद्धि में सहायक होते हैं। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट फॉर्म लेके चलेंगे वो कौन सा होगा आपके पास में, स्थायी उत्तक है, विभाजन की क्षमता नहीं होगी, दूसरा परिपक्व कोशिकाओं का रूप होगा, कोशिकाएं सटी हुई नहीं है इसका मतलब स्पेस होगा, और स्पेस होगा तो क्या बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होगा। और नेक्स्ट उपापचय रूप से कैसे है, निष्क्रिय है, इसका मतलब भोजन का संग्रह होगा। और हमें ये पता है कि पादपों में भोजन का संग्रह होता है किस रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्थायी उत्तक कैसे होते हैं, सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। अब आप कहेंगे सर सरल और जटिल का मतलब क्या है, तो अभी नेक्स्ट पोर्शन में अपन बात भी करेंगे कि सरल किस प्रकार के होते हैं और जटिल किस प्रकार के होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन लेंगे इसमें। और अगर कार्य के लिए बात की जाए तो किसी भी पादप को सुरक्षा प्रदान करना है, मतलब प्रोटेक्शन देना है, उसको सहारा प्रदान करना है, या फिर किसी भी पदार्थों के परिवहन, पदार्थ मतलब किसी भी जल के लिए, भोजन के लिए जो स्थानांतरण का कार्य करते हैं वो स्थानांतरण या परिवहन में सहायक कौन होगा आपके पास में, स्थायी उत्तक। क्लियर है बेटा, अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक उत्तक को पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला कौन सा है, विभजोतक उत्तक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास में कि विभजोतक उत्तक का फॉर्म, तो हमें ये तो पता चल गया क्या क्या है इनके काम के फॉर्म में, लेकिन विभजोतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, किन के आधार पे होते हैं, इनका क्या और अदर दूसरे कार्य हो सकते हैं, उनको हम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट लेके चल रहा हूँ वो कौन सा आपके पास में बेटा जी, बोलो, विभजोतक उत्तक। कौन सा उत्तक है, विभजोतक उत्तक। अब बेसिक तो आपको पता चल ही गया है कि विभजोतक उत्तक होते हैं क्या है, लेकिन आपको पूछा जाए कि विभजोतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्थिति दे रखी है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, तो तीन प्रकार हैं विभजोतक उत्तक। किसके आधार पर बोला मैंने, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। के सर कौन कौन से तीन प्रकार हैं, तो तीन प्रकार में आप लोग देखें, पहला प्रकार है जिसको बोला जाएगा पाक विभजोतक, दूसरा प्रकार है जिसे बोला जाएगा प्राथमिक विभजोतक, और तीसरा प्रकार है जिसे बोला जाएगा द्वितीयक विभजोतक। यानी अपन कह सकते हैं हमारे पास में प्रोमेरिस्टम,
प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, पाक विभिजोतक, प्राथमिक विभिजोतक और द्वितीयक विभिजोतक तीनों ही किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पे। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्थिति के आधार पर विभिजोतक उत्तक कितने प्रकार के हैं, तब भी कितने प्रकार है बेटा? तीन प्रकार है। लेकिन किसके आधार पर है? बोलो, स्थिति के आधार पर। और स्थिति के आधार पे कितने बोल दिए मैंने? तीन उत्तक। क्या सर, तीन उत्तक कौन कौन से हैं? तो देखें आप लोग, तीन उत्तक कौन कौन से हैं। पहला है उत्तक जिसे बोला जाता है एपिकल, यानी कि बोलो शीर्षक या शीर्ष का उत्तक। दूसरा हमारे पास में है इंटरकैलरी, जिसे बोला जाता है अंतर्वेशी उत्तक। और तीसरा है लेटरल, जिसे बोला जाता है पार्श्व विभिजोतक। क्लियर है? बहुत अच्छे से ध्यान देना है बेटा। अगर विभिजोतक उत्तक से संबंधित आपके पास में क्वेश्चन आता है तो दोनों रूप पता होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर भी कितने होते हैं? तीन प्रकार के। स्थिति के आधार पर भी कितने हैं? तीन। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पाक विभिजोतक, प्राथमिक विभिजोतक और द्वितीयक विभिजोतक। और अगर मैं बात करूं स्थिति में तो तीन है। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्व विभिजोतक। चलिए, लेकिन सर ये नाम तो हो गए, लेकिन इनका कार्य क्या है, किससे संबंधित है? तो देखें, कार्य से संबंधित हमारे पास में क्या है। पहला कौन सा है आपके पास में? प्रोमेरिस्टम, पाक विभिजोतक। किसी भी पादप की भ्रूणावस्था में, यानी कि प्राथमिक स्थिति के समय जो उत्तक उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है? पाक विभिजोतक। क्या बोला मैंने? प्राथमिक स्थिति के फॉर्म में, यानी कि भ्रूणावस्था जब भी शब्द आएगा तो कौन सा उत्तक होगा? पाक विभिजोतक। यानी कि बोलो, भ्रूणावस्था के समय स्थित उत्तक कौन से होते हैं? पाक विभिजोतक। दूसरा है प्राथमिक विभिजोतक। ये जो प्राथमिक विभिजोतक है, इसका निर्माण होता है किसके द्वारा? पाक विभिजोतक के द्वारा। और ये जो प्राथमिक विभिजोतक है, ये सहायक होते हैं किसमें? प्राथमिक वृद्धि में। आपको याद होगा पादपों में दो प्रकार की वृद्धि दिखाई देती है, एक तो होती है प्राथमिक वृद्धि और एक होती है द्वितीयक वृद्धि। यानी किसी भी पादप की लंबाई से संबंधित अगर मैं बात करूं तो वृद्धि कौन सी होगी? प्राथमिक। लेकिन अगर मैं बात करूं मोटाई की, तो मोटाई से संबंधित जो वृद्धि है वो कौन सी हो जाएगी? द्वितीयक वृद्धि। तो याद रखना, अगर प्राथमिक विभिजोतक है तो प्राथमिक विभिजोतक का निर्माण तो किसके द्वारा होता है? पाक विभिजोतक के द्वारा। ये सहायक होते हैं किसमें? प्राथमिक वृद्धि में। बोलो भाई, किसमें होंगे? प्राथमिक वृद्धि में। प्राथमिक वृद्धि का मतलब पादप की क्या हो रही है? लंबाई में वृद्धि हो रही है। क्लियर है? और दूसरा कौन सा है? द्वितीयक विभिजोतक है। जिस प्रकार प्राथमिक विभिजोतक का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? पाक विभिजोतक। उसी प्रकार हमारे पास में जो द्वितीयक विभिजोतक है, उसका निर्माण किसके द्वारा होगा? प्राथमिक विभिजोतक द्वारा। और यही सेम हो जाएगा, जो द्वितीयक विभिजोतक है ये भी सहायक होते हैं किसमें? द्वितीयक, बोलो, द्वितीयक वृद्धि में। समझ गए होंगे द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या है? पादप की, बोलो, मोटाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अगर अपन बात करें, हमारे पास में स्थिति के आधार पर भी तीन प्रकार के उत्तक है। कौन कौन से? शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्व। जनरली क्या बोला जाता है? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब इन तीनों रूप को कैसे पढ़ें, वो सारी चीजें, तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के फॉर्म में। देखते हैं हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं कि मेनली चित्र से संबंधित हमारे पास में। यहां देखें, ये डायग्राम एक चित्र दे रखा है जिसमें आपके पास में तीनों रूप प्रदर्शित हो रहे हैं। पहला कौन सा है? एपिकल है। अगर वो एपिकल है, इसका मतलब वो कौन सा है बेटा? बोलो, कौन सा होगा? शीर्षक होगा। मेरिस्टम है, इसका मतलब क्या है? बोलो, विभिजोतक। सेकेंड यहां पे दे रखा है इंटरकैलरी है। इंटरकैलरी है, इसका मतलब कौन सा हो गया आपके पास में? अंतर्वेशी। और तीसरा है लेटरल है, मतलब कौन सा हो गया? पार्श्व विभिजोतक।
लेकिन इन तीनों का क्या कार्य है और ये तीनों किससे संबंधित है उसको देखना है। पहला कौन सा है? एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो शीर्ष वाले विभिजोतक उत्तक होते हैं, शीर्ष से मतलब टॉप पे होंगे। और टॉप की अगर मैं बात करूं, शीर्ष भाग की बात करूं, तो पादप के शीर्ष भाग में क्या है आपके पास में? एक तो मूल यानी मेनली आपके पास में जड़ का शीर्ष भाग, और पादप के प्ररोह वाले भाग के शीर्ष भाग पे कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम कहां पाए जाएंगे आपके पास में? शीर्ष पे होंगे। किसके शीर्ष पे? मूल और बोलो प्ररोह। प्ररोह पे भी कौन से होंगे? एपिकल मेरिस्टम होंगे। और अगर ये एपिकल मेरिस्टम पे होंगे तो ये मेनली सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? मेनली पादप की लंबाई में सहायक होते हैं। अगर पादप की लंबाई में सहायक है, इसका मतलब ये किसमें होंगे? प्राथमिक वृद्धि में सहायक होंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि जो एपिकल होंगे वो सहायक होंगे किसमें? बोलो प्राथमिक वृद्धि में सहायक हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो अंतर्वेशी है, ये जस्ट एपिकल के नीचे शीर्ष के नीचे वाले भाग में उपस्थित होंगे। और जो भी अंतर्वेशी होंगे वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तने के मेनली पर वाले आधार भाग में। कहाँ पे उपस्थित है? तने में, पर्व के आधार भाग में उपस्थित है। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जिस प्रकार एपिकल भी कौन सी वृद्धि में सहायक है? प्राथमिक। उसी प्रकार अंतर्वेशी भी सहायक है किसमें बेटा? प्राथमिक वृद्धि में। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, जैसे हम बात करें घास के लिए, तो किसी भी शाकाहारी जीव के द्वारा घास को अगर खा लिया जाता है और खाने के बाद उस घास का पुनः निर्माण हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनली किसी भी शाकाहारी जीव के द्वारा घास को खाए जाने के पश्चात पुनर्जीवित होती है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार किस प्रकार का उत्तक होगा? तो आंसर क्या चला जाएगा? बोलो अंतर्वेशी उत्तक। और ये जो अंतर्वेशी उत्तक है वो भी उत्तक कैसा है? प्राथमिक है। और प्राथमिक के फॉर्म में तो वृद्धि कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक वृद्धि। क्लियर है? एग्जांपल का फॉर्म हो सकता है जैसे घास के लिए बात करें, बांस के लिए बात करें, इक्विसिटम के लिए बात करें, उन सभी के लिए कौन सा होगा? अंतर्वेशी। यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बोले हैं। बोलो, एक तो क्या हो जाएगा? घास। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बांस। इसके अलावा इक्विसिटम। इन सभी में मेनली उत्तकीय रूप कौन सा होगा? अंतर्वेशी। और एक तीसरा और सबसे लास्ट वाला है कौन सा? पार्श्व विभिजोतक। पार्श्व का मतलब ही क्या होता है? साइड। और साइड वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब कैसी वृद्धि होने वाली है? द्वितीयक वृद्धि है। और द्वितीयक वृद्धि से संबंधित कौन सा हो गया? पार्श्व विभिजोतक। तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं ये किस प्रकार की वृद्धि करेगा? द्वितीयक वृद्धि। क्लियर है बेटा? बहुत इजी है। देखें अभी लास्ट टाइम में अपन ने क्या देखा है कि मेनली हमारे पास में विभिजोतक उत्तक है। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। किनके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर और स्थिति। उत्पत्ति में कौन कौन से? पाक विभिजोतक, प्राथमिक और द्वितीयक। तीनों के लिए अगर बात करें तो हमारे पास में ये तो कब मिलेगा? भ्रूणावस्था में। ये सहायक है किसमें? प्राथमिक में। प्राथमिक से प्राथमिक याद रह जाएगा, इजी है। और जो द्वितीयक विभिजोतक है तो द्वितीयक नाम से ही वापस आ रहा है, द्वितीयक वृद्धि। एक सबसे इंपॉर्टेंट, अभी स्थिति के आधार पर हमने डिस्कस किया था कौन कौन से? शीर्ष, अंतर्वेशी, पार्श्व। लेकिन अगर इनको मैं कंपैरिजन लेके चलूं किनकी? उत्पत्ति के आधार पे। तो याद रखना, उत्पत्ति के आधार पे अगर मैं देखूं तो मेनली एपिकल यानी शीर्ष वाले और अंतर्वेशी वाले दोनों ही प्रकार के उत्तक है। कैसे? बोलो प्राथमिक उत्तक है। कैसे उत्तक है? प्राथमिक उत्तक है। और जो हमारे पास में पार्श्व विभिजोतक का फॉर्म है, ये कैसे उत्तक का रूप होगा? द्वितीयक उत्तक का रूप होगा। द्वितीयक उत्तक का मतलब क्या है? द्वितीयक विभिजोतक से संबंधित, और प्राथमिक उत्तक से संबंधित, मतलब प्राथमिक विभिजोतक की बात हो रही है। क्लियर है बेटा?
बहुत इजी है, मेनली उत्पत्ति के आधार पे और स्थिति के आधार पे। डायग्रामेटिक भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो शीर्ष पे होंगे, और शीर्ष किसका, मेल की मूल और प्रहरों के शीर्ष पे। किसमें वृद्धि करेंगे, प्राथमिक। अंतर्वेशी भी किसमें वृद्धि करेंगे, प्राथमिक। लेकिन मैंने अभी कहा था किसी भी शाकाहारी जीव के द्वारा घास को अगर खाया जाता है और उस घास का पुनः निर्माण हो रहा है तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, अंतर्वेशी। और अगर मैं बात करूं द्वितीयक वृद्धि से संबंधित है, वो कौन सा है, पार्श्व विभिजोतक है। द्वितीय वृद्धि मतलब क्या हो गया, पादप की मोटाई में वृद्धि हो रही है, पार्श्व वाला भाग क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्लियर है यहां तक। अगर मैं नेक्स्ट पोर्शन की बात करूं, ये तो था विभिजोतक उत्तक, लेकिन आपको याद होगा मैंने दो प्रकार के उत्तक आपको बताए हैं, कौन कौन से, एक तो क्या था विभिजोतक और दूसरा कौन सा था, स्थाई। स्थाई मतलब परमानेंट, परमानेंट है इसका मतलब उनमें बार बार विभाजन नहीं होता, और जिनमें बार बार विभाजन नहीं हो रहा है वही तो क्या है आपके पास में, स्टेबल है, स्थाई उत्तक है। अब आप बताएं कि स्थाई उत्तक के फॉर्म और क्या हो सकते हैं, उनके लिए अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है। देखें बेटा इधर कौन सा उत्तक है, स्थाई उत्तक। बेसिक जानकारी मैंने आपको स्थाई उत्तक के लिए पहले ही बता दी कि यहाँ पर हमारे पास में जो भी कोशिकाओं का रूप होगा वो परिपक्व होगी, कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं होगी, इसका मतलब अंतरकोशी के स्थान भी पाया जाएगा, उपापचय रूप से ज़्यादा सक्रिय भी नहीं है, इसका मतलब भोजन का संग्रह भी पाया जाएगा, यही है। लेकिन स्थाई उत्तक के लिए मैंने कहा था कि स्थाई उत्तक होते हैं कैसे, सरल और जटिल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में जो स्थाई उत्तक है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। वो दो प्रकार कौन कौन से, पहला तो कौन सा था आपके पास में, सरल उत्तक, और दूसरे उत्तक कौन से हैं, जटिल उत्तक। अब ये सरल और जटिल का क्या मतलब निकला है, सरल क्या है और जटिल क्या है, तो बहुत ही इजी और सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। यदि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह के रूप के लिए बात हो रही है, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं हैं और वो है तो कौन सी हो जाएगी, सरल उत्तक। और अगर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं और उनका कार्य भी भिन्न भिन्न है तो वो उत्तक कौन सा होगा, जटिल। बहुत ईजी है, क्या बोला मैंने, समान प्रकार की कोशिकाएं, यहाँ पे कोशिकाएं कैसी होगी, समान प्रकार की कोशिकाएं, और यहां पे जटिल उत्तक है तो इसका मतलब यहां पे समान तो होगी नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे कोशिकाएं कैसी होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं। क्लियर है। अब सरल उत्तक और जटिल उत्तक को पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरल उत्तक, उसके बाद में हम बात करेंगे जटिल उत्तक, और ये दोनों ही रूप है किसके, स्थाई उत्तक के। तो नेक्स्ट फॉर्म में अपन किसके लिए बात करेंगे, हमारे पास में बेटा क्या आ रहा है, सरल उत्तक, सरल उत्तक बोल सकते हैं, सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू में इसका मतलब यहाँ पे एक ही प्रकार की कोशिकाएं होगी, लेकिन ये जो सरल उत्तक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या कार्य है, इससे संबंधित क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं और किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन है उसको अपन देखते हैं। तो हमारे पास में सरल उत्तक है वो तीन प्रकार के हैं, कितने प्रकार के बेटा, तीन। कौन कौन से आपके पास में, पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है हमारे पास में कोलेनकाइमा, और तीसरा है हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमा। तीनों ही इंग्लिश वर्ड है, अगर हिंदी में बोला जाए तो पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा को क्या बोल दिया जाता है, मृदुतक। क्या बोलेंगे, मृदुतक। कोलेनकाइमा है इसको बोला जाता है स्थूल कोणोत्तक, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा जिसको बोला जाएगा दृढ़ोत्तक।
आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हिंदी वाले शब्द को ही मेनली इंग्लिश के ट्रांसलेट फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो पैरेन्काइमा मतलब क्या है? मृदुतक। कोलेन्काइमा मतलब स्थूल कोणोतक, और स्पेन्काइमा का मतलब है दृढ़ोतक। और तीनों ही उत्तक किस प्रकार के हैं? सरल उत्तक है। लेकिन सर इन तीनों में क्या अंतर है, किन प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती है, उनके लिए बात करेंगे। अगर मैं इनके लिए बात करूं तो सबसे पहला उत्तकीय रूप हमारे पास में है कौन सा? सबसे पहला वाला है आपके पास में पैरेन कायमा। बोलो पैरेन कायमा को क्या बोलेंगे हिंदी में? मृदुतक। एक डायग्राम फॉर्म भी आपको दिख रहा है, इस पे अपन बात करेंगे। लेकिन बेसिक जानकारी पहले मैं आपको बता दूं कि पैरेन कायमा है क्या। पैरेन्काइमा एक ऐसा सरल उत्तक है जो सभी प्रकार की कोशिकीय स्वरूप में पाया जाता है। सभी प्रकार की मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब सभी जगह मिलेगा। जो सभी जगह मिलता है उसको क्या बोल दिया जाता है? सार्वत्रिक, या फिर बोला जाता है सार्वभौमिक। यानी कि जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि सार्वभौमिक उत्तक कौन सा है, पैरेन्काइमा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सार्वत्रिक यानी कि सभी जगह मिलने वाला उत्तक कौन सा है, तब भी आंसर क्या जाने वाला है? पैरेन कायमा, या फिर क्या बोल देंगे? मृदुतक। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोल दिया? ये कैसा है आपके पास में? सार्वत्रिक उत्तक। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा क्या बात कर रहे हैं? पैरेन कायमा मतलब मृदुतक, ऐसा उत्तक है जो सभी प्रकार के कोशिकीय स्वरूप में पाया जाता है, जो सभी जगह मिल रहा है, इसीलिए तो क्या बोल दिया इसे? सार्वत्रिक उत्तक। या फिर इसको बोल सकते हैं सार्वभौमिक उत्तक। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं पैरेन कायमा के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो पैरेन्काइमा है वो प्रिमिटिव उत्तक है। प्रिमिटिव का मतलब आदिम, आदिम मतलब पुराने टाइप में, यानी बेसिक से जहां स्टार्ट किया है। ये कैसा है आपके पास में? प्रिमिटिव उत्तक है मतलब आदिम प्रकार का उत्तक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि आदिम प्रकार का उत्तक कौन सा है तो क्या बोल देंगे? पैरेन्काइमा। आदिम प्रकार से मतलब क्या हुआ? आदिम प्रकार का मतलब ये हुआ कि पैरेन्काइमा के द्वारा ही बाकी वाले शेष उत्तक का निर्माण होगा। बाकी वाले मतलब पैरेन्काइमा के बाद किसके लिए बात कर रहे थे? कोलेन्काइमा है, मेनली स्क्लेन्काइमा है, मतलब स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक, इन सब का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? पैरेन्काइमा। अगर ये पैरेन्काइमा ही उन उत्तकों का निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पैरेन्काइमा फंडामेंटल टिश्यू है, मतलब आधारभूत उत्तक है। तो इसीलिए एक पॉइंट और ऐड कर दिया, ये कैसा उत्तक होता है? आधारभूत उत्तक। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए सार्वत्रिक उत्तक कौन सा है? पैरेन्काइमा। सार्वभौमिक भी कौन सा? पैरेन्काइमा। मेनली आदिम प्रकार का? पैरेन्काइमा। और आधारभूत मतलब फंडामेंटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी कौन सा है? पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक। क्लियर है? अब उसके लिए अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा का डायग्रामेटिक फॉर्म भी हम देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं तो हमारे पास में वैक्यूल्स दिखाई दे रही है, मतलब बीच बीच में आप देखें यहां पे क्या दिखाई दे रही है? रिक्तिका दिखाई दे रही है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पे न्यूक्लियस है, कोशिका है, तो कोशिका को नियंत्रण करने वाला कौन उपस्थित होगा यहां पे? केंद्रक भी उपस्थित होगा। थिन प्राइमरी सेल वॉल, थिन मतलब कोशिका भित्ति होगी, प्राथमिक होगी, और कैसी होगी? पतली होगी। तो लिख सकते हैं पतले प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्लियर है? और आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि पतली प्राथमिक कोशिका भित्ति का जो निर्माण किया जाता है वो निर्माण किसके द्वारा होता है? सेलुलोज के द्वारा, हेमिसेलुलोज के द्वारा। और उनकी मात्रा भी क्या रहती है? मैक्सिमम फॉर्म में, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनके लिए, प्राथमिक के लिए। क्लियर है? इसके अलावा क्या है? साइटोप्लाज्म, क्या बोल देंगे इसका मतलब? ये क्या है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर तरलीय भाग जो पाया जाता है वही तो कोशिका द्रव्य, और जहां पे क्या होती है? जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है, तो वो क्या? साइटोप्लाज्म।
लेकिन आप इस डायग्राम को देखें तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे अंतरकोशिकीय के स्थान पाए जाते हैं? आप देखो क्या है, क्या यहाँ पे अंतरकोशिकीय के स्थान लिखा है, इंटर सेलुलर एयर स्पेस, यानी कि यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थान क्या होंगे, उपस्थित होंगे। कुछ ऐसे सेल के फॉर्म में कभी कभी नहीं भी, यानी कोशिकाएं आपस में सटी हुई है तो नहीं का रूप भी हो सकता है। तो अगर अपन यहां पॉइंट के रूप में लिखें कि अंतर कोशिकीय स्थान, तो अपन लिख सकते हैं अंतर कोशिकीय स्थान आपके पास में उपस्थित भी होंगे और अनुपस्थित भी होंगे। और इसी डायग्राम से अपन कह रहे हैं कि यहां की जो कोशिका भित्ति है वो कैसी होगी बेटा, पतली होगी। कैसी होगी, पतली होगी। और किसकी बनी होगी, बोलो, सेलुलोज की। किसकी बनी होगी, सेलुलोज। क्लियर है? और आपकी जानकारी के लिए फिर एक पॉइंट बता रहा हूं कि कोशिका भित्ति का जो सबसे मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है, वो कौन सा है, सेलुलोज है। यदि आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति का मुख्य कंकालीय रूप कौन बनाता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा बनाने का कार्य कौन करता है, तो वो कौन होगा, सेलुलोज है। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर अपन बात करें कि हमारे पास में जो पैरेन्काइमा है, इस पैरेन्काइमा का कार्य क्या हो सकता है, तो पैरेन्काइमा क्या करता है कि मेनली हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण। तो यहाँ पे अगर मैं कार्य से संबंधित बात करूं, किसके लिए बात हो रही है, पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा के लिए बोलो कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, भोजन का। और भोजन का निर्माण होगा तो भोजन का संग्रह भी होगा, और भोजन का जो संग्रह होगा किस रूप में, बोलो बेटा, स्टार्च, या फिर क्या बोल सकते हैं, मंड के रूप में, स्टार्च या फिर मंड के रूप में जो संग्रहित रूप होगा वो किन के लिए अपन बात करेंगे, पैरेन्काइमा, मेनली उत्तक के लिए होगा। दोनों नाम याद रखने हैं, पहले भी मैं बात कर रहा हूँ, पैरेन्काइमा एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका हिंदी वर्ड भी याद रखना है, कौन सा, मृदुतक। एग्जाम में कई बार इंग्लिश वाले वर्ड को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, इसलिए मैं दोनों वर्ड बता रहा हूँ आपके पास में। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो पैरेन्काइमा है वो एक प्रकार का जीवित उत्तक है। अगर जीवित उत्तक है इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार का कोई लिग्निन जमा होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिग्निन वहीं जमा हो जाता है जहां पे मेनली सेल को किस प्रकार रख दिया जाता है, मृत कर दिया जाता है। इसका मतलब उनका जीव द्रव्य भी क्या हो जाता है, मृत। लेकिन यहाँ पे जीव द्रव्य तो जीवित है, तभी तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, जैविक क्रियाएं हो रही है, कोशिका भित्ति के रूप है, मेनली सारे पोर्शन उपस्थित है। तो याद रखना पैरेन्काइमा है, वो पैरेन्काइमा जो मृदुतक है वो कैसा उत्तक है बेटा, जीवित उत्तक है। कैसा उत्तक है, जीवित उत्तक है। और इसके अलावा मैंने अभी बोला यहां पे लिग्निन क्या होगा, अनुपस्थित होगा, लिग्निन क्या होगा, अनुपस्थित है। क्लियर है? ये सारी बातें किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, पैरेन्काइमा मृदुतक के लिए। ठीक है, बताओ दूसरे का नाम क्या था आपके पास में, बोलो, कोलेन्काइमा, हिंदी में क्या बोला जाएगा, स्थूल कोणोत्तक। तो देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास में कौन सा, कोलेन्काइमा। तो स्टार्ट करते हैं कोलेन्काइमा को, कोलेन्काइमा क्या बोल देंगे, स्थूल कोणोत्तक। अब ये जो दूसरे प्रकार का उत्तक है जिसे बोल रहे हैं मेनली स्थूल कोणोत्तक, ये मेनली हमारे पास में कैसा है, यांत्रिक उत्तक है। क्या बोला मैंने, यांत्रिक उत्तक है, यानी कि मैकेनिकल टिश्यू है। और जो यांत्रिक उत्तक होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या प्रदान करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं।
और क्या वर्ड आ रहा है, कोलेन कायमा स्थूल कोणोत्तक, कोणोत्तक मतलब किनारे पर का फॉर्म है। तो जितने भी किसी भी पादप की पत्तियां हैं और पादप की पत्तियों के किनारे हैं, उन किनारों पे कौन पाया जाता है, स्थूल कोणोत्तक। तो ये कहां उपस्थित होगा, पादप के पत्तियों के किनारे पर उपस्थित। सर किनारे पर उपस्थित होने से क्या होगा, अरे बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अपन बात करें हवा के झोंके की, अगर तेज हवाएं चल रही है, आंधी चल रही है, ऐसी स्थिति में जो मेनली लीफ है, पत्ती है, उनके किनारे फटकर अलग हो सकते हैं, लेकिन पत्ती के किनारों को एक तनन सामर्थ्य यानी एक बल का फॉर्म है, एक सपोर्ट, एक सहारा प्रदान करने का जो कार्य कर रहा है वो कौन है, स्थूल कोणोत्तक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यह पत्तियों को क्या करेगा, तनन सामर्थ्य प्रदान करेगा। तनन सामर्थ्य मतलब, तनन सामर्थ्य का मतलब यह है कि किसी भी पादप की पत्तियां हैं वो हिलने डुलने में मेनली, तो हिलने डुलने में सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य है वो कौन करेगा, कोलेन कायमा। क्लियर है बेटा। इसके अलावा अगर मैं डायग्रामेटिक चित्र के रूप में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मुझे दिखाई दे रही है, एक तो कोशिका भित्ति का रूप दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति होगी तो प्राथमिक के फॉर्म में भी बता सकते हैं, और यहाँ पे भी बनी हुई है किसकी, सेलुलोज की। तो ये तो हो गया हमारे पास में कोशिका भित्ति, बोलो भाई क्या हो गया, कोशिका भित्ति। वैक्यूल है, रिक्तिका है, और हमें पता है पादप में पाए जाने वाली रिक्तिका छोटी होगी या बड़ी, बड़ी होगी, लार्ज होगी साइज में, और काम क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको संग्रहित रूप में लेके आने का काम कौन करता है, रिक्तिका। क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। नेक्स्ट यह है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं, क्या बोलेंगे, केंद्रक है, और केंद्रक को क्या बोलता हूं मैं हमेशा, कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी पूरी कोशिका को नियंत्रित करने वाला है वो कौन है, केंद्रक। इसके अलावा मेनली यहाँ पे दे रखा है आपके पास में थिकनिंग के फॉर्म में, यानी कि मोटे रूप में दिखाया गया है, और मोटे रूप में क्या है आपके पास में, कोशिका भित्ति। क्लियर है, तो ये हमारे पास में कोशिका भित्ति का रूप भी होगा लेकिन सामान्य से हल्की सी मोटी रूप में प्रदर्शित होगी। आप मुझे अब डायग्राम देख के बताओ क्या इनके बीच में कोई अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, बोलो, इसके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पे स्पेस क्या होगा, अनुपस्थित। तो अगला पॉइंट मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थान क्या होंगे, बोलो, अनुपस्थित होंगे, अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होंगे, कोई भी रिक्त स्थान नहीं होगा, और मेनली यहाँ पे संग्रहित रूप दिखाई दिया जाता है किसका, पेक्टिन का। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, पेक्टिन, और पेक्टिन उपस्थित होने के कारण ही यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो पेक्टिन क्या होगा, उपस्थित होगा। क्लियर है, बहुत इजी है, किनके लिए बात की जा रही है, कोलेन कायमा यानी कि स्थूल कोणोत्तक के लिए बात हो रही है। क्या मैं यहाँ से पूछूं क्या लिग्निन का जमाव होगा, नहीं, अगर लिग्निन का जमाव होगा तो ये भी कैसा उत्तक हो जाएगा हमारे पास में, मृत रूप में। लेकिन यहाँ तो सारे प्रोसेस चल रहे हैं, सपोर्ट का फॉर्म भी लेके आ रहे हैं, सहारा भी प्रदान कर रहे हैं, अगर ये सहारा दे रहा है, सारा वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिग्निन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। अगर लिग्निन अनुपस्थित है इसका मतलब ये भी कैसा है आपके पास में, जीवित उत्तक है। कैसा उत्तक है बेटा, जीवित उत्तक है। किनके लिए बात हुई, कोलेन कायमा के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट चले। याद रखना किसी भी पत्तियों को कटने फटने से रोकना है तो वो काम कौन करेगा, कोलेन कायमा, यानी कि अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया जाए तनन सामर्थ्य प्रदान करने वाला उत्तक, तो तनन सामर्थ्य का मतलब वही है, कोलेन कायमा, ठीक है, यानी पत्तियां हैं वो कटे फटे नहीं, हवा के झोंके से आंधी से, उनके लिए है कोलेन कायमा, या फिर बोल देंगे स्थूल कोणोत्तक। क्लियर है, नेक्स्ट पोर्शन में अपन चलते हैं, तीसरा जो हमारे पास में है कौन सा है बेटा, स्क्लेन कायमा, यानी कि स्क्लेन कायमा क्या मतलब हुआ, दृढ़ोत्तक है।
अब इसमें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दृढ़ोतक है, दृढ़ है, दृढ़ मतलब कठोर है, और कोई चीज कठोर का फॉर्म इसका मतलब यहाँ पे किस रूप में होगा, मृत रूप में। तो अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे दृढ़ोतक उत्तक है, वो कैसे होते हैं बेटा, मृत होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, कठोर भाग में उपस्थित। कौन से भाग में उपस्थित है, कठोर भाग में उपस्थित। लेकिन पहला वर्ड मैंने यूज किया मृत है, तो बताओ लिग्निन होगा कि नहीं होगा, होगा, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं लिग्निन उपस्थित होगा। अगर लिग्निन उपस्थित है इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कैसा होगा, जीव द्रव्य कैसा होगा, मृत होगा। तो ये मृत है, कठोर भाग में उपस्थित, तो ये काम क्या करते हैं, किसी भी पादप के लिए जो मेनली सपोर्ट देना है, सहारा प्रदान करना है, वो सहारा प्रदान करने वाला कौन है, स्क्लेनकायमा यानी कि दृढ़ोतक है। और यहाँ पे जीव द्रव्य कैसा हो जाएगा बेटा, मृत हो जाएगा। जीव द्रव्य कैसा होगा, मृत रूप में उपस्थित होगा। तो कह सर ये डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या है, बिल्कुल ये हमारे पास में जो दृढ़ोतक है इसके दो रूप दे रखे हैं, एक तो दे रखा है स्क्लेरलिटी और एक दे रखा है फाइबर। अब इन दोनों के फॉर्म में अगर अपन बात करें तो ये जो फाइबर है हिंदी में क्या बोलेंगे, तंतु है, और ये क्या है, स्क्लेरेडी है। तो अगर इनके लिए बात करूं तो ये तंतु है वो कैसे हैं, लंबे हैं और नुकीले हैं। तो ये जनरली हमारे पास में जो फाइबर के फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे और नुकीले होंगे, लंबे और नुकीले होंगे। ल्यूमेन है मतलब गुहा का रूप उपस्थित है। थिक सेल वॉल है इसका मतलब सामान्यतः कोशिका भित्ति है वो कैसी है, मोटी है, मोटी कोशिका भित्ति। और यहाँ पे अगर बात करें स्क्लेरेडी के फॉर्म में तो पिट्स उपस्थित है। पिट्स का मतलब क्या होता है, गर्त है, स्पेस के फॉर्म है। सेल वॉल कोशिका भित्ति भी यहाँ पे भी कैसी है बेटा, मोटी है, ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब क्या है, बीच में गुहीय वाला, गुहा वाला भाग उपस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्लेरिड है वो मेनली कहाँ के लिए पाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल याद रखना, अगर अमरूद के लिए बात करें, चीकू के लिए बात करें, नाशपत्ती के लिए बात करें, उन सभी में पाए जाने वाले वो कौन से, स्क्लेरिड है, और ये मेनली किस में आते हैं, दृढ़ोतक में। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, उदाहरण के लिए बात करूँ, तो बोलो अमरूद, सेकेंड चीकू, नाशपत्ती, इन सभी के लिए जो भी आंसर के फॉर्म जाएंगे यानी दृढ़ है, कठोरतम वाले भाग है, वो कौन से बनाएंगे, दृढ़ोतक। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेनली हमारे पास में सरल उत्तक के रूप कितने हैं बेटा, तीन। कौन कौन से बोलो, सबसे पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेन्काइमा यानी कि दृढ़ोतक। और तीनों को अपन डायग्रामेटिक यानी चित्र के द्वारा समझ चुके हैं। ये तो सरल उत्तक की बात थी। देखो यहाँ पे अपन ने बात की थी सरल उत्तक के लिए, ठीक, हमारे पास में सरल उत्तक यही है, मृदु उत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ उत्तक। लेकिन थोड़ा सा आप बैकवर्ड में और आ जाएं, मैंने कहा था सरल उत्तक होते हैं लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे उत्तक और भी होते हैं, कौन से बोलो, जटिल उत्तक। अब जब जटिल की बात आ रही है तो यहाँ की कोशिकाएं कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। अगर कोशिकाएं भिन्न भिन्न है तो इनके लिए अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में होते क्या है ये जटिल उत्तक, देखो कौन से उत्तक है, जटिल उत्तक है, जटिल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये हमारे पास में उत्तक है कौन से, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नॉट बिग इशू यानी कि कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटे छोटे से हैं। कि है क्या हमारे पास में जटिल उत्तक, तो दो प्रकार के हैं। क्या सर कौन से दो प्रकार, दो प्रकार है हमारे पास में, एक का नाम है जाइलम और दूसरा फ्लोयम। एक का नाम क्या है, जाइलम, और दूसरा कौन सा है, फ्लोयम। बहुत इजी है, किसी भी पादप के लिए जल का स्थानांतरण करना है तो जल के स्थानांतरण के लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन सा होगा, जाइलम। याद रख सकते हैं जल से ही क्या है, जाइलम। तो किसी भी जल के स्थानांतरण या परिवहन के लिए सहायक कौन हो जाएगा, जाइलम। लेकिन फ्लोयम, फ्लोयम फल, फल के संबंधित है यानी कि भोजन से संबंधित है, वो कौन सा होगा, फ्लोयम।
तो दोनों चीजें हमारे पास में क्लियर हो गई। यदि मैं बात करूं जल का परिवहन या स्थानांतरण कौन करेगा, जाइलम, और अगर फ्लोएम के लिए बात करूंगा तो ये किसका स्थानांतरण करने वाला है, भोजन का स्थानांतरण। स्थानांतरण बोले या परिवहन एक ही चीज है, दोनों क्लियर है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के लिए बात करें तो इनके भी छोटे छोटे घटकीय कोशिकीय रूप उपस्थित है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम के कंपोनेंट कौन कौन से, तो जाइलम के चार कंपोनेंट है। एक का नाम है वाहिका, दूसरा है आपके पास में वाहिनिका, तीसरा है आपके पास में जाइलम पेरेनकाइमा। क्या सर यहां पर भी पेरेनकाइमा आ गया? बिल्कुल आ सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और जटिल बने किसके होते हैं, सरल से ही बने होंगे, तो यहां पर भी उपस्थित हो सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास में जाइलम तंतु। जाइलम तंतु तो इनके घटे के रूप में चार है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम तंतु। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन चारों घटकीय कोशिकीय रूप में से केवल एक ही जीवित है, और बाकी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, मृत। और आप बता सकते हैं इनमें जीवित रूप की अगर मैं बात करूं तो जीवित, याद करो पेरेनकाइमा मैंने बताया था ये कैसा होता है, जीवित उत्तक है। तो ये जीवित उत्तक के नाम पे केवल क्या है, जाइलम पेरेनकाइमा। इसका मतलब वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु तीनों ही कैसे हैं, बोलो, मृत रूप में उपस्थित है। क्लियर है, याद रखना केवल जीवित रूप में कौन है, जाइलम पेरेनकाइमा, बाकी सारे कैसे हैं, मृत रूप में। सेकंड बात कर रहे हैं फ्लोएम के लिए, इनके भी कोशिकीय घटक है, और इनके कोशिकीय घटक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में है फर्स्ट चालनी नलिकाएं, दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में सहचरी, तीसरे के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में है फ्लोएम पेरेनकाइमा, और लास्ट है हमारे पास में फ्लोएम तंतु। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट केस है, जब मैंने कहा था जाइलम में केवल एक ही जीवित है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, मृत, और जीवित वाला कौन सा है, जाइलम पेरेनकाइमा। लेकिन फ्लोएम की बात करूं तो यहां पर केवल एक ही मृत है, बाकी सारे कैसे हैं, जीवित, और जो मृत रूप में उपस्थित है वो कौन सा है, फ्लोएम तंतु। याद रखना बेटा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, फ्लोएम तंतु होते हैं वो कैसे हैं बेटा, मृत है, लेकिन बाकी सारे के सारे कैसे हैं, जीवित है। उसी प्रकार अगर मैं यहां के लिए बात करूं तो मैंने जीवित रूप में किसको बता रखा है, जाइलम पेरेनकाइमा, तो ये तो होगा जीवित, ये दोनों यहां पे कैसे हो जाएंगे, मृत। और यहां के लिए भी अगर बात करें तो जाइलम तंतु ये भी कैसा है, मृत। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए। और जाइलम का काम क्या करना है, जल का स्थानांतरण, और फ्लोएम का कार्य क्या हो जाएगा, भोजन का परिवहन या फिर स्थानांतरण। तो ये सारा का सारा जो मेनली है वो सारे के सारे क्या है, पादप उत्तक है। क्लियर है, छोटे से समरी के फॉर्म में अपन फिर से लेके चलते हैं कि हमारे पास में है क्या। समरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेनली प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी की बात हुई। पादप शारीरिकी क्या है, कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ साथ में आप लोगों को बोलना है और याद भी करना है इसी क्लास में। क्लियर है, स्टार्ट करें, क्या है आपके पास में, प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी, क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप की आंतरिक संरचना या फिर संगठन का अध्ययन किया जाता है, क्या बोलेंगे, पादप शारीरिकी। अब पादप शारीरिकी में हमें पढ़ना है किसको, उत्तक को, और कौन से उत्तक, पादप उत्तक, और इस उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा। कोशिका के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, क्या बोलते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, और उनके द्वारा ही निर्माण होता है किसका, उत्तक का। तो डेफिनेशन, परिभाषा में क्या बोलेंगे, कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना व प्राय कार्य में समान हो, तो उसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, उत्तक। और यहाँ पे दो प्रकार के उत्तक पाए जाने वाले हैं, बोलो, यस, कौन सा, विभिजोतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। जब भी विभिजोतक उत्तक के नाम से, विभिजोतक मतलब विभाजन, यानी ऐसा कोशिकीय स्वरूप, ऐसे उत्तक जिनमें बार बार विभाजन हो रहा है तो विभिजोतक, और जिसमें विभाजन नहीं हो रहा है वो स्थायी उत्तक। जिनमें बार बार विभाजन होगा,
का मतलब यहाँ पे कोशिकाएं कैसे होगी? अपरिपक्व। यहाँ पे कैसे होगी? परिपक्व। जब कोशिकाएं बार बार विभाजित होगी तो कोशिकाएं आपस में क्या होगी? सटी हुई। और यहाँ पे कोशिकाएं क्या होगी? अलग अलग, दूर दूर। यदि विभिजोतक की कोशिकाएं सटी हुई है, इसका मतलब अंतर कोशिकीय स्थान इनमें नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। यदि ये विभिजोतक वाली बार बार विभाजित हो रही है, इसका मतलब उपापचय रूप से क्या होगी? सक्रिय होगी, लेकिन स्थायी वाली सक्रिय नहीं होगी। जो सक्रिय हो रही है, जो सक्रिय हो रही है, इसका मतलब कंटिन्यूटी में यहाँ पे भोजन का संग्रह नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भोजन का संग्रह होगा किसमें? स्थायी के लिए। क्लियर है? फिर वन बाई वन को हमने पढ़ा, पहले किसको पढ़े? विभिजोतक। याद करो, विभिजोतक के मैंने कितने पोर्शन बनाए थे? दो। किसके आधार पे? उत्पत्ति और स्थिति। अरे बेटा क्लियर है? समझ में आ रहा है? साथ साथ बोलते रहेंगे मेरे। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पे। कितने? तीन। कौन कौन से? पाक विभिजोतक, प्राथमिक और द्वितीय। पाक वाला जब भी किसी भी भ्रूणावस्था में पूछा जाए तो कौन सा? पाक विभिजोतक। इस पाक के द्वारा ही क्या बनेगा? प्राथमिक। और प्राथमिक के द्वारा ही क्या बनेगा? द्वितीय। प्राथमिक विभिजोतक किसमें सहायक होगा? प्राथमिक वृद्धि में। द्वितीयक विभिजोतक है किसमें सहायक होगा? द्वितीयक वृद्धि में। बस क्लियर है? दूसरा कौन सा है हमारे पास में? स्थिति के आधार पे। कितने? तीन। कौन कौन से? शीर्ष है, अंतर्वेशी और पार्श्व है। शीर्ष वाला है यानी कि कोने पे मिलेगा। किसके कोने पे मिलेगा? मेनली टॉप वाले पोर्शन पे मिलेगा, यानी किसी भी मूल या प्रहो, इन दोनों के शीर्ष पे पाया जाना है, वो एपिकल टिश्यू का फॉर्म हो जाएगा। और ये किस में वृद्धि करेगा? प्राथमिक वृद्धि में। दूसरा कौन सा? अंतर्वेशी। जस्ट पार्श्व के फॉर्म में अगर अपन बात करें, जो अंतर्वेशी वो शीर्ष के नीचे पाया जाएगा, ये भी सहायक होगा किसमें? प्राथमिक वृद्धि में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बात की थी, किसी भी मेनली पादपीय रूप के फॉर्म में, जैसे घास की बात करूं, किसी शाकाहारी के द्वारा उसको खा लिया जाता है और उस घास का पुनर्जीवित रूप है, यानी पुनः उनका जो निर्माण हुआ है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार उत्तक कौन सा होगा? अंतर्वेशी। और तीसरा कौन सा है? पार्श्व है। पार्श्व का नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? साइड में है। साइड में है मतलब वो मोटाई को बढ़ाएगा, और जो मोटाई को बढ़ाएगा वो क्या करेगा? द्वितीयक वृद्धि करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि शीर्ष वाला और अंतर्वेशी वाला दोनों ही सहायक होते हैं प्राथमिक वृद्धि में, और सेकेंड के फॉर्म में अगर अपन बात करें पार्श्व है वो किसमें है? द्वितीयक वृद्धि में। बेटा क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं, हमारे पास में उत्तक कौन से थे? स्थाई उत्तक। और स्थाई उत्तक के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो दो रूप है, एक तो सरल है और दूसरा जटिल है। सरल के कितने प्रकार बताए मैंने? तीन। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्लेन्काइमा। क्लियर है? पैरेन्काइमा मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। तीनों को डायग्रामेटिक फॉर्म में तीनों को हम देख चुके हैं। और जब भी जीवित उत्तक के फॉर्म में, आदिम प्रकार के उत्तक में, फंडामेंटल यानी आधारभूत उत्तक के फॉर्म में, सार्वभौमिक के रूप में, सार्वत्रिक के रूप में, ये जहां पर भी शब्द यूज किए जाते हैं, इसका मतलब वहां पे उत्तक कौन सा होगा? पैरेन्काइमा उत्तक होगा। और यहाँ पे अंतर कोशिकीय स्थान हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन कोशिका भित्ति पतली होगी और किसकी बनी होगी? बोलो, सेलुलोज की। क्लियर है बेटा? और नेक्स्ट फॉर्म में अगर कार्य की मैं बात करूं तो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण में कार्य के फॉर्म होंगे, भोजन के संग्रहित रूप में कार्य कर सकते हैं, और साथ ही सिक्रेशन यानी स्त्रवण से संबंधित है, वो कौन सा है? पैरेन्काइमा। क्लियर है? साथ साथ में बोलते रहे आप लोग। दूसरा कौन सा है आपके पास में? मेनली कोलेन्काइमा का फॉर्म है, यानी कि स्थूल कोणोत्तक है। कोणोत्तक है मतलब कोने पे है, कोने पे मतलब किनारे पर। किसके किनारे पर? पत्तियों के किनारे पर। और पत्तियों के किनारे पे क्या करेंगे? पत्तियों को कटने फटने से रोकने का कार्य है, यानी कि तनन सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य है, वो कौन सा करेगा आपके पास में? स्थूल कोणोत्तक करेगा। और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो कोशिकीय स्थान के फॉर्म में अगर अपन बात करें, इंटर सेलुलर स्पेस अंतर कोशिकीय स्थान है वो नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं सारी आपस में होती है, सटी हुई। और यहां पे क्या पाया जाता है? पेक्टिन। याद रखना, पैरेन्काइमा में और मेनली कोलेन्काइमा, इन दोनों के अंदर ही लिग्निन का जमाव नहीं होता, इसीलिए दोनों उत्तक के रूप कैसे हैं? जीवित है। लेकिन तीसरा कौन सा? दृढ़ोत्तक है, स्लेन्काइमा है, वहां पे लिग्निन होगा। अगर वो लिग्निन हुआ, इसका मतलब जीव द्रव्य कैसा होगा? मृत होगा। इसी प्रकार हमने कह दिया कि ये जो उत्तक होगा, कौन सा? लास्ट वाला दृढ़ोत्तक, वो कैसा होगा आपके पास में? कठोरतम वाले भाग में होगा। अगर कोई कठोरतम वाले भाग, इसका मतलब वो पादप को क्या कर रहा होगा? सहारा प्रदान कर रहा होगा। क्लियर है? अब लास्ट में बात करने वाला हूं जटिल उत्तक की। और जटिल उत्तक के दो रूप है। यस, कौन कौन से? जाइलम और
फ्लोयम। जाइलम क्या करते हैं? जल का स्थानांतरण। फ्लोयम क्या करते हैं? मेनली भोजन का स्थानांतरण। जाइलम के कितने घटक? चार। फ्लोयम के कितने घटक? चार। जाइलम के चार घटक कौन कौन से बोलेंगे मेरे साथ साथ? कौन से? वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेंकाइम और जाइलम तंतु। लेकिन जाइलम में केवल एक ही जीवित है, कौन सा? जाइलम पेरेंकाइम, बाकी सारे के सारे मृत। और लास्ट फॉर्म में कौन सा? फ्लोयम है। कितने घटक? चार। कौन कौन सी? चाली नलिकाएं, सहचरी और तीसरा कौन सा है? फ्लोयम पेरेंकाइम और लास्ट है फ्लोयम तंतु। याद रखना फ्लोयम में केवल एक ही मृत है, कौन सा? फ्लोयम तंतु। बाकी तीनों कैसे हैं? जीवित। क्लियर है बेटा? मानते हैं सारी चीजें आपको क्लियर होगी होगी, याद भी होगी। इसी प्रकार हम आगे वाली क्लासों में भी एक साथ जुड़े रहेंगे, पूरा समरी के रूप में हमें याद भी करना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू बेटा।